डोंट मेक अनोइज, ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। हमारे टेंथ क्लास के सिलेबस में लाइट के सिर्फ दो ही फिनोमिना चैप्टर में है, पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जितने भी एप्लीकेशन थे वो, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जितने भी इमेज फॉर्मेशन थी, हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना होता है कि लाइट अगर कहीं से आ रही है, कहीं से भी अगर लाइट आती है और किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो जाती है, तो जैसे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हमने क्या बोला था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला था। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए सबसे पहली कंडीशन हमने क्या बताई थी कि ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए हमारा, ओपेक ऑब्जेक्ट होना, क्योंकि लाइट बाउंस बैक तभी कर सकती है जब लाइट सीधा ना जा पाए। एग्जाम्पल्स के लिए अगर आप बहुत जोर से बहुत तेजी से भाग के जा रहे हैं, वह बीच में दीवार आ जाए तो क्या आप भागते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या होगा, उसमें स्ट्राइक करोगे और बाउंस बैक करोगे। एग्जाम्पल्स के बॉल आप लेते हैं, तो बॉल को स्ट्राइक करते हैं तो बॉल जिधर से आप स्ट्राइक करते हैं उधर ही वो वापस आ जाती है, सीधी नहीं चली जाती। लेट करो अगर वो सीधी दीवार ना हो के कुछ ऑब्जेक्ट बीच में ना हो के, वो सीधा कहीं कुछ भी ना होता, यहाँ पे एयर है वहाँ पे वाटर होता, तो वो कुछ ना कुछ वाटर में एंटर कर जाती है। ऐसे लाइट के साथ भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि हमारे सारे ऑब्जेक्ट ओपेक नहीं होंगे, यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हम लोग लेने वाले हैं वो सब ट्रांसपेरेंट होंगे, क्योंकि इसकी सबसे पहली कंडीशन ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कि लाइट शुड एंटर टू द मीडियम, लाइट को एंटर मीडियम के अंदर एंटर करना ही होगा, तब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें चलो मान लेते हैं लाइट एंटर भी कर जाती है, ठीक है। हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं डायग्राम की हेल्प से। ये एयर थी, हमने लाइट करो यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, कोई पॉन्ड वगैरह तालाब है, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लाइट जा रही है, लाइट जाने के बाद हम देखते हैं कि लाइट सीधी ना जाके थोड़ा सा इधर चली गई। ये जरूरी नहीं कि इधर ही जाए, हो सकता है इधर भी जा सकती है, बट अभी हमने एक सिंपल केस लिया है कि लाइट यहाँ पर ना जाके, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट, बट लाइट इधर चली गई। लाइट में क्या हुआ, थोड़ा सा बेंडिंग हुआ है, लाइट में थोड़ा सा बेंडिंग हुआ है। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज, सबसे पहली कंडीशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कि लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करना चाहिए। अगर वो मीडियम में एंटर ना करके यहाँ से सीधा कुछ एंगल पर लेके चली जाती, मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर ओपेक होता, ट्रांसपेरेंट ना होता, तो लाइट स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में चली जाती, उसी मीडियम में चली जाती, उस टाइम पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है, जो हमारा जो मीडियम है ये वाला, वो कैसा है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और ट्रांसमिट मीडियम में लाइट एंटर कर जाती है, और लाइट एंटर करती है तो वो बेंडिंग होती है, और इस बेंडिंग को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। डेफिनेशन लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, व्हेन लाइट रेज पासिस थ्रू द वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, देन इट्स बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन लाइट पासिस थ्रू वन मीडियम टू, पासिस की जगह एंटर भी यूज कर सकते हैं, व्हेन लाइट एंटर्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स टुवार्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब क्वेश्चन उठता है, ये कैसे पता करेंगे कि किधर जाएगी लाइट? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। दो वर्ड में बताऊंगा अभी यहाँ पे। पहला वर्ड होता है डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। दूसरा होता है रेयर टू डेंसर, ठीक है। ये दोनों केस ही डिफाइन करेंगे कि लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या नॉर्मल के साइड में आएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या नॉर्मल टू द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, ठीक है। यही डिसाइड करते हैं। अब दोनों को क्या करके बारी के बारे पढ़ लेते हैं। पहले डेंसर के बारे में पढ़ते हैं, डेंसर क्या होता है। आपको डेंसर का पता होना चाहिए, व्हाट डू मीन बाय डेंसर मीडियम। तो डेंसर या रेयर अकॉर्डिंग टू डेंसिटी डिफाइन किए गए हैं, डेंसर या रेयर अकॉर्डिंग टू डेंसिटी डिफाइन किए गए हैं। कैसे डिफाइन किए गए हैं, जिसकी डेंसिटी, जिस भी मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है
वो डेंसर मीडियम कहलाता है, जिस भी मीडियम की डेंसिटी कम है वो रेयर मीडियम कहलाता है। मीडियम का मतलब आपको पता है, आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके, मीडियम का मतलब होता है रास्ता, पाथ, जहाँ से वो चलता है। जैसे साउंड ट्रेवल करता है वो भी इन्वायरमेंट में ट्रेवल कर सकता है, ऐसी लाइट भी ट्रेवल करती है। तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम दो तरह की हम बता रहे हैं कि एक रेयर मीडियम हो सकता है, दूसरा डेंसर मीडियम हो सकता है। डेंसर मीडियम वो होता है जिसकी जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल्स के लिए डायमंड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए डायमंड सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम है। जैसे एयर की डेंसिटी सबसे कम होती है, इसलिए एयर सबसे कम डेंसर है, हम उसको रेयर बोल सकते हैं। तो जिसकी डेंसिटी कम वो रेयर, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो डेंसर। अब सुनिए, अभी एयर क्या है, एयर है हमारा रेयर मीडियम, और जो ये वाटर है वो कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो व्हाट विल हैपन व्हेन लाइट एंटर्स रेयर टू डेंसर मीडियम, तो व्हेन लाइट एंटर्स रेयर टू डेंसर मीडियम इट्स कम्स टुवर्ड द नॉर्मल। जो लाइट रे होती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। रीजन क्या लिखेंगे अगर कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज द रीजन टू बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो आप लिखेंगे द स्पीड ऑफ लाइट वेरी मीडियम टू मीडियम। स्पीड, जो लाइट की स्पीड होती है वो हर मीडियम में डिफरेंट होती है, हमें पता है। और हमें यह भी पता है कि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, जैसे ही उसको डेंसर मीडियम में एंटर कराते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाता है। इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम दूसरा डायग्राम बनाएं, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है मान लेते हैं, ये नॉर्मल है, यहाँ से लाइट आई, ये वाटर है, ये एयर है। तो लाइट यहाँ से इसका जाना कहाँ पे चाहिए था इसको, अब ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जैसी लाइट जाएगी तो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो बताइए v1 ज़्यादा होगी क्या v2 ज़्यादा होगी, v2 ज़्यादा होगी, क्योंकि रेयर मीडियम में डेंस वाटर की जो लाइट की जो स्पीड होती है वो जब बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम, एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। इसलिए लाइट जैसे इस मीडियम में एंटर करेगी तो यहाँ पर ना जाके, यहाँ पर भी नहीं जाएगी, बल्कि यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। तो ये पहचान होती है कि डेंसर से रेयर में अगर लाइट जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो लाइट जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट किस में जाती है, लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल आती है, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो स्पीड के बारे में समझ आया, ये जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों आती है, क्योंकि लाइट की स्पीड मैटर करती है। डेंसर से मीडियम, डेंसर मीडियम से जैसे ही रेयर मीडियम में लाइट एंटर करती है तो लाइट की स्पीड हाई हो जाती है। लाइट की स्पीड हाई होने के कारण जो लाइट रेज है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, ठीक है। जैसे ही रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, ऐसे ही लाइट की रेज जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाती है, ठीक है, समझ आया तक, ये डायग्राम समझ आए। आगे बात करते हैं ग्लास स्लैब के बारे में, ये समझ आया, ठीक है। आपके सिलेबस में दो तीन चीज़ें दे रखी हैं रिफ्रैक्शन में, जैसे पहला ग्लास स्लैब दे रखा है, दूसरा आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसमें प्रिज्म में पढ़ा होगा, पढ़ा ना, प्रिज्म में भी होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो ही हमारे पास एप्लीकेशन है, पहला ग्लास स्लैब में और दूसरा प्रिज्म में, ठीक है। अब ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ते हैं, ग्लास स्लैब क्या होता है, ग्लास स्लैब देखा होगा आपने 3D शेप का होता है, ऐसा ग्लास का बना होता है, 3D शेप का होता है, उसको मोस्टली कहाँ पर रखते हैं, पेपर वगैरह के ऊपर रख देते हैं ताकि पेपर ना उड़े, ऑफिस वगैरह में रखे होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वो 3D होता है, लाइट यहाँ से एंटर करेगी, यहाँ पर मीडियम है,
क्या, कौन सा मीडियम है यहाँ पर? डेंसर मीडियम है। उसके बाद नीचे भी क्या होती है इसके? एयर होती है। ऊपर भी एयर, नीचे भी एयर, मतलब ऊपर भी सेम मीडियम और नीचे भी सेम मीडियम। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उसमें क्या इफेक्ट होता है इसका। रफ कर दूँ, ग्लास स्लैब 3D मीडियम होता है, मैं उसको 2D में डिफाइन करूंगा। ठीक है, 2D में बनाने की कोशिश करूंगा। ये ग्लास स्लैब है, ऐसा समझ सकते हैं आप कि ये जो व्यू है आपका, ये वाला व्यू है, ये वाला सिर्फ आपको जो दिखाई दे रहा है, कौन सा व्यू दिखाई दे रहा है? ये वाला व्यू दिखाई दे रहा है, जबकि लाइट इस पे यहां से यहां आएगी और यहां से कहीं से निकल जाएगी, क्योंकि रियल में पेपर वगैरह जो रखा होता है इस तरह से रखा होता है। लाइट यहाँ से कहीं से आती है, इसके अंदर एंटर करती है, एंटर करने के बाद नीचे से वो निकल जाती है। ये किसका बना होता है? या तो ग्लास का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है, मोस्ट प्रोबेबली। कभी कभी ये फाइबर का भी बना होता है। ठीक है, तो मैं आपको जो बना रहा हूँ ये वाला व्यू दिखाई दे रहा है आपको। लाइट यहाँ से आएगी तो कन्फ्यूज नहीं होना कि लाइट यहाँ से कैसे एंटर कर रही है। ठीक है, तो ये वाला व्यू आपको दिखाई दे रहा है, लाइट यहाँ से आएगी। ठीक है, तो आपको जो दिखाई देगा लाइट यहाँ से आते हुए दिखाई देगी, ये जो व्यू दिखाई दे रहा है वो ये वाला व्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे लाइट आ रही है यहाँ पर, ये किसका बना होता है? ग्लास का बना होता है। यहाँ पर क्या होती है? एयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होती है? एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, लाइट जैसे ही ग्लास के अंदर एंटर करेगी, एयर कैसा मीडियम होता है? रेयर मीडियम होता है। ग्लास कैसा मीडियम होता है? डेंसर। तो जैसे ही लाइट, ये हमने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल, ये हमारा क्या है? नॉर्मल है, इसको नॉर्मल फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि दो नॉर्मल हमको ड्रॉ करने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही लाइट यहाँ से एंटर करेगी तो लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। इसको जाना तो यहाँ पर चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर ना जाके बैंड हो जाती है। टुवार्ड्स द नॉर्मल ना जाके, सॉरी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना जाके टुवार्ड्स द नॉर्मल जाती है, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर कर रही है। ठीक है, ठीक है, अब लाइट जैसे यहाँ पर एंटर करती है तो यहाँ पर फिर से एयर है, यहाँ से आउट इसको जरूर होना है। अगर यहाँ से आउट होगी तो फिर से क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड सेम हो जाएगी। यहाँ पर स्पीड लाइट की बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर लाइट की स्पीड कम हो गई, तो इसलिए ये टुवार्ड्स द नॉर्मल चली गई। ठीक है, जैसे ही ग्लास से लाइट फिर से बाहर निकलेगी, आउट ऑफ द ग्लास एंड लाइट विल बी एंटर इन एयर, तो लाइट की स्पीड जो होगी फिर से क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अगर लाइट की स्पीड सेम होगी तो लाइट की डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम हो जाएगी, जो डायरेक्शन बिफोर द ग्लास थी, जो ग्लास से पहले डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन ग्लास के बाद भी हो जाएगी, क्योंकि पहले जो मीडियम था वो भी एयर था, अब जो मीडियम है वो भी एयर है। ठीक है, लेकिन हमारी लाइट यहाँ पर ना मिलके यहाँ पर मिली है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे ही, अब बताइए, ये जो लाइट रे यहाँ से आ रही है, ये भी एक मीडियम है, एक मीडियम, दूसरा मीडियम एंड पहला मीडियम, फिर से पहला मीडियम, फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर की लाइट, तो बेंडिंग हुई लाइट का, तो यहां पर भी क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। लाइट सेकंड मीडियम से फिर से फर्स्ट मीडियम में आएगी तो यहां पर भी क्या होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। लेकिन पहले लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल गई, लेकिन अब कब जाएगी, कहां पर जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि अब डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है लाइट। ठीक है, अब डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है लाइट। ठीक है, अगर हम इनका नामकरण करना चाहें तो पहले आप लोग नाम इसके बारे में पढ़ चुके हैं नॉमिक्लेचर इसका, कि जो लाइट रे आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। जो रे रिफ्रैक्शन होने के बाद जाती है उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ, एंगल आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये जो एंगल होगा ये कौन सा एंगल होगा? ये
ये एंगल आर जो होता है वो होता है एंगल ऑफ, हाँ ठीक है। अब ये एंगल किसके इक्वल होगा, तो ये एंगल जो होगा वो आर के इक्वल होगा, क्योंकि ये और ये लाइन दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, तो दीज एंगल शुड बी इक्वल। बट व्हाट अबाउट दिस एंगल, हाँ दिस एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ, इस एंगल को हम बोलते हैं ई, व्हाट इज एंगल ई कोड एंगल ऑफ, अगर इनमें रिलेशन की बात करें तो हम लोग एंगल आई जो होगा वो एंगल ई के इक्वल होगा, एट द रीजन टू इक्वल दीज एंगल्स। तो रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जो लाइट चल रही थी वो एयर में चल रही थी, यहाँ पर जो लाइट चल रही है वो भी एयर में चल रही थी, और सेम मीडियम में लाइट की स्पीड हमेशा सेम रहती है, सेम मीडियम में लाइट की स्पीड हमेशा सेम रहती है। अगर लाइट की स्पीड यहाँ पर सेम होगी और यहाँ पर भी सेम होगी तो उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है। तो एंगल आई जो होता है वो हमेशा एंगल ई के इक्वल होता है, एंगल आई जो होता है हमेशा एंगल ई के इक्वल होता है। दूसरा इसमें रिलेशन ये होता है कि एंगल आई और एंगल ही हमेशा आर से ज़्यादा होता है, ठीक है। एंगल आई भी ज़्यादा होता है किससे, एंगल आर से, एंगल ई भी ज़्यादा होता है एंगल आर से, बट ये दोनों बराबर होते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि विच कंडीशन इज ट्रू फॉर ग्लास स्लैब, तो आपको बताना होगा कि एंगल आई और एंगल ई तो हमेशा इक्वल होते हैं, और एंगल आई या कहीं एंगल ई दोनों किससे बड़े होते हैं, एंगल आर से इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर इसमें पूछे आपसे कि इमरजेंट रे कौन सी होती है, या ये कहें कि ये रे इस रे को क्या बोलेंगे, हमने इसको तो इंसिडेंट रे बोल दिया, इसको रिफ्रैक्शन रे बोल दिया, इस रे को क्या बोलेंगे, तो इस रे को हम बोलते हैं इमरजेंट, इमरजेंट इसको इमरजेंट रे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम आपको 100% कन्फर्मली आना चाहिए, समझ आए, रफ कर दे। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब। एक बार दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ, क्या बनाया था मैंने, देखिए इधर एक ग्लास स्लैब लिया हमने, 3D शेप का है, उसका हमने ओवर व्यू टॉप व्यू शो किया है, सिर्फ टॉप व्यू, ये 3D है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप। ये टॉप व्यू है इसका, लाइट यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर इसके नीचे से एंटर करेगी, ठीक है। मैं इसको 2D में डिफाइन कर रहा हूँ, 2D में दिखा रहा हूँ, इसलिए तो कन्फ्यूज मत नहीं होना अपना, ठीक है। तो लाइट यहाँ पर आ रही है, इंसिडेंट रे, हमने इसको नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर लाइट को यहाँ आना था लेकिन यहाँ पर ना आके ये थोड़ा सा बैंड हो जाती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस एंगल को हम आई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस एंगल को हम आर बोलते हैं, इस रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं और इस रे को रिफ्रैक्शन रे बोलते हैं। अब लाइट यहाँ तो रहेगी नहीं हमेशा, अंदर इसके जो ग्लास है उसके अंदर तो रहेगी नहीं, आउटसाइड जाएगी, यहाँ पर हमने एयर माना है, ये ग्लास का बना हुआ है और ये फिर से एयर मीडियम है, तो लाइट यहाँ पहले एयर से ग्लास में एंटर की, उसके बाद ग्लास से एयर में एंटर की, हमने फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो लाइट जैसे ही बाहर जाएगी, अब टुवार्ड्स द नॉर्मल ना जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अब लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल ना जाके, अभी यहाँ पर तो टुवार्ड्स द नॉर्मल गई थी, यहाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई है, ठीक है। दिस इस एंगल को हमने क्या बोला, एंगल ऑफ इमरजेंट, इस रे को हमने बोला इमरजेंट, ठीक है। तो दिस वाज द ऑल अबाउट ग्लास स्लैब। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, 12th क्लास में आप देखेंगे तो इसका डेरिवेशन भी है और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स नहीं आते, सिंपल रिलेशन पूछा जाता है ई आई और आर के बीच में, ठीक है। दिस वाज द ग्लास स्लैब, समझ आया, रफ कर दूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, क्या आई और आर में को रिलेशन किसी साइंटिस्ट ने बताया इस रे के बारे, जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में दो नियम पढ़े थे, जिन नियमों का
रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ फॉलो करता है, ठीक है। ऐसे रिफ्लेक्शन में भी दो नियम होते हैं, टू रूल्स आर देयर, जिनको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करना पड़ता है। कौन कौन से नियम है वो, सबसे पहले तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ कौन कौन से नियम है, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। लेट करते हैं, ये हमारा यहाँ पे भरा हुआ है वाटर। ये जरूरी नहीं कि हर वक्त वाटर ही लेंगे, आप कोई भी मीडियम ले सकते हैं, बट हमारे नॉर्मली सबसे ज्यादा जो अराउंड देखा जाता है क्या देखा जाता है, हम जितने भी एप्लीकेशन देखते हैं मोस्टली आसपास वाटर के देखते हैं या गिलास के देखते हैं, और मीडियम हमारे पास बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। लाइट लाइट करते हैं यहां पर, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे को मैं IR लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। इसको हमने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, इसका नाम एन और एन डैश इसका नाम रखा है मैंने, एन एंड एन डैश। अब लाइट जैसे यहां पर स्ट्राइक करेगी तो एंटर करना चाहेगी इस मीडियम में, एंटर करते ही ये था हमारा एयर मीडियम और ये है हमारा वाटर मीडियम। एयर इज रेयर एज कंपेयर टू वाटर, तो ये डेंसर है वो एयर मीडियम, रेयर मीडियम है। जैसे लाइट वो एयर से वाटर में एंटर करेगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। इस एंगल को हम बोलते हैं आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं किन नियमों का ये पालन करती है, ठीक है। जैसा आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था, सबसे पहला जो रूल्स होता है वो यही होता है कि जो इंसिडेंट रे होता है और रिफ्रैक्शन रे जो होता है, इस रे को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टेड रे। जैसे फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है रिफ्लेक्शन में कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो फर्स्ट रूल होता है वो होता है हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे RR फॉर रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक है। फर्स्ट लॉ था इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक है। सेकेंड रूल्स को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था स्नेल्स, ठीक है। क्या नाम था उनका, स्नेल्स। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। कैसे एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, एक चार्ट की हेल्प से बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। देखो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। जो साइंटिस्ट था स्नेल्स लो, उसने सेकंड रूल देने से पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। क्या एक्सपेरिमेंट थे उसके, उसके एक्सपेरिमेंट इस तरह से थे, ये रेयर मीडियम इस तरह से बना रहा, देखिए इधर, ये ऊपर वाला रेयर मीडियम है और नीचे वाला डेंसर मीडियम है, ठीक है। उसने सबसे पहले क्या देखा कि लाइट जब यहां से एंटर करती है तो थोड़ा बहुत क्या करती है, बैंड होती है। उसने सबसे पहले में देखा, मान लेते हैं इसको I1 है, इसमें जो है ये I1 है, इसको R1 मान लेते हैं, ठीक है। इनका उन्होंने क्या निकाला, रेशियो निकाला, साइन I1 अपॉन साइन R1 निकाला। उसने दोबारा से इस एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज किया, ये एंगल क्या है अभी इतना है, इस एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज किया, यहाँ पर कर दिया थोड़ा सा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, फिर से और बढ़ जाएगा। इसको एंगल को उन्होंने I2 माना और इस एंगल को R2 माना, उन्होंने फिर से यही रेशियो निकाला, साइन I2 अपॉन साइन R2। उन्होंने इस एंगल्स को थोड़ा सा फिर से चेंज किया, ये एंगल थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसको उन्होंने माना I3, इसको माना R3, फिर से वही रेशियो निकाला,
साइन आई थ्री साइन आर थ्री। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में पाया कि यहाँ पर जो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो था वो रेशियो, और यहाँ पर जो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो था वो भी, और यहाँ पर जो साइन आई और अपॉन साइन आर का रेशियो था वो हमेशा कॉन्स्टेंट आ रहा है, वो हमेशा नहीं चेंज हुआ। एंगल चेंज हुए, यहाँ का चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो गया, यहाँ का चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो गया, यहाँ का चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो गया, बट साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा इक्वल आ रहा था। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हमेशा कॉन्स्टेंट आ रहा था, इसलिए इस नियम को उन्होंने इसी तरह से डिफाइन किया। ठीक है, क्या किया है उन्होंने डिफाइन करने के लिए, उन्होंने कहा है कि रेशियो होता है, अभी ऊपर क्या रखा हमने, साइन आई को रखा, नीचे किसको रखा, साइन आर को, तो ये रेशियो होता है। उन्होंने कहा कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट। इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, दिस वाज द रूल्स ऑफ स्नेल्स, या ये कहें कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड रूल जो होता है। ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। ठीक है, लास्ट ईयर 2018 के एग्जाम में आया था यही क्वेश्चन था, व्हाट डू मीन बाय लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दोनों लिखेंगे आप, पहले वो वाला फर्स्ट लॉ और बाद में सेकेंड वाला। ठीक है, इस स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट एंगल का अगर साइन लें, ये साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आर अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ स्नेल्स। ये स्टेटमेंट को देने वाले साइंटिस्ट का नाम स्नेल्स था, इसलिए इस नियम को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, समझ आया। अगर क्वेश्चन स्नेल्स लॉ से भी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्नेल्स लॉ, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ स्नेल्स लॉ। ठीक है, अगर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आता है तो दोनों स्टेटमेंट आप लिखेंगे, उसके बाद ये दिखा देंगे। ठीक है, अब इस कांस्टेंट से एक नई चीज आती है कि व्हाट इज दिस कांस्टेंट, या व्हाट इज द मींस ऑफ दिस कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का क्या मतलब है और ये कांस्टेंट किस काम आता है, क्या ये कांस्टेंट किसी चीज पे डिपेंड करता है। तो इसको भी डिफाइन करने के लिए साइंटिस्टों ने रिसर्च की, इसमें सबसे ज्यादा जो रिसर्च अच्छी थी वो किसकी थी, स्नेल्स ने ही सबसे ज्यादा अच्छे से इसको बताया। स्नेल्स ने कहा कि इस कांस्टेंट को हम एक नई टर्म का नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब इंडेक्स ही क्यों कहा उसने, या कोई नंबर भी बोल सकता था ये, क्योंकि रेशियो होता है, ये यूनिट लेस होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि ऊपर इसमें अगर फॉर्मूला देखें तो ऊपर क्या है, साइन आई, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, एंगल से कोई यूनिट नहीं होती है, साइन आर की यूनिट नहीं होती है, इसलिए इस कांस्टेंट की भी कोई यूनिट नहीं होती है। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल पे डिपेंड करता है, किसी भी चीज पे डिपेंड करता है,
तो आंसर मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ये मटेरियल, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है मटेरियल के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि लाइट की स्पीड कम हो जाती है ज़्यादा हो जाती है, उसको मैंने बताया था आपको कि डेंसिटी कम ज़्यादा होने के कारण ऐसा होता है। रियल में डेंसिटी का रिलेशन डायरेक्टली वेलोसिटी से नहीं होता है, डेंसिटी का रिलेशन लाइट की वेलोसिटी से डायरेक्टली नहीं होता है। डेंसिटी बढ़ने से पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है, उसके बाद वेलोसिटी कम होती है। अगर डेंसिटी कम होगी तो मीडियम के अंदर वेलोसिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ये सब अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। ये समझ आया था, रफ कर दूँ। अब हम लोग नया टॉपिक लेके आ गए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रफ कर दूँ। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि ये किसकी प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहली बात तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो हमेशा मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है हमेशा किसकी प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। ये मीडियम पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, अब सुनिए, हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम नॉर्मली एन से नोट करते हैं, एन से नोट करते हैं इसको हम नॉर्मली एन से नोट करते हैं। अब सुनना, तीनों में रिलेशन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, वेलोसिटी में और डेंसिटी में। देखना इधर, डेंसिटी अगर किसी मीडियम की ज़्यादा होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। अगर डेंसिटी किसी मीडियम की ज़्यादा होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट विल बी लोअर। जैसे ही दोनों चीज़ें इंक्रीज होंगी तो स्पीड ऑफ लाइट शुड बी, स्पीड ऑफ लाइट विल बी लोअर। तीनों में रिलेशन होता है, ठीक है। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, लेकिन स्पीड लाइट की कम हो जाएगी। इसी के जस्ट अपोजिट, अगर डेंसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट विल बी हायर, वेरी हाई, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट विल बी वेरी हाई। ऐसा एग्जांपल देख सकते हैं आप, एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे कम होता है। इसलिए एयर में हम लाइट की स्पीड को कितना मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा, जितना कि वैक्यूम में होता है, जितना कि वैक्यूम में होता है, जितना कि वैक्यूम में होता है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है। कितनी होती है लाइट की स्पीड वैक्यूम में? लाइट की स्पीड को हम नॉर्मली सी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, लाइट की स्पीड को सी से डिनोट करते हैं। सी की स्पीड जो होती है मैक्सिमम, वो होती है 3×10^8 मीटर पर, जो कि किस में होती है, वैक्यूम में होती है, जो कि किस में होती है, वैक्यूम में होती है, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो मटेरियल नहीं होता है, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मीडियम नहीं होता है। हम एयर की बात करें तो एयर में तो एयर मीडियम है, बट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत कम होता है, इसलिए हम इस स्पीड को एयर के अंदर स्पीड भी मान लेते हैं, इन वैक्यूम, या ये कहें कि इन एयर। वैक्यूम में स्पीड भी लाइट की कितनी होती है,
3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, एयर में भी कितनी मान लेते हैं हम, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने के कई तरीके हैं, या तो हम उस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा हम कई तरह से डिफाइन करते हैं। रियल में अगर फील्ड की बात करूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या बताता है, थ्योरेटिकली तो आप याद कर लेंगे जैसा रेशियो ऑफ दैट दैट दैट, रेशियो किस किस चीज़ का होता है, बट रियल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताता है कि लाइट की स्पीड जैसे ही एक मीडियम में दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जैसे ही लाइट की स्पीड, लाइट की रे जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो लाइट की स्पीड कितने गुना कम होगी, कितने टाइम्स कम होगी या कितने टाइम्स ज़्यादा होती है, ये रियल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है आपको। एग्जाम्पल्स के लिए अगर मैं ये कहूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5, इसका ये मतलब है कि लाइट की स्पीड जो होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 के कारण उस मीडियम में जिस मीडियम का ही बताया गया है 5 गुना कम हो जाएगी, ज़्यादा तो नहीं हो सकती लाइट की स्पीड से, क्योंकि लाइट की स्पीड एयर में या वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताता है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम से या एयर से कितने गुना कम हो रही है, समझ आया, एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होता है। ठीक है, डिफाइन करने के कई तरीके होते हैं, तीन डेफिनेशन मैं आपको इसकी बताऊंगा, तीन डेफिनेशन, एक तो रेशियो की फॉर्म में बताऊंगा, दूसरा आप इसकी फॉर्म में बता सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मैं डायग्राम की हेल्प से बताता हूँ आपको, यहाँ पे डायग्राम क्यों करूँ दिख रहा है, देखना इधर, ये कोई मीडियम है, फर्स्ट मीडियम है, लेट करते हैं ये सेकंड मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, हम कोई भी ले सकते हैं, इसको रेयर ले रहा हूँ मैं, इसको डेंसर ले रहा हूँ मैं, लिख देता हूँ। ठीक है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, लाइट रेयर से डेंसर में एंटर करेगी। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल अक्सर आता है और इस साल भी न्यूमेरिकल था, शायद लास्ट ईयर भी इससे न्यूमेरिकल था, इस टॉपिक से डेफिनेशन पूछी गई थी 2018 में और 2019 के एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल आया था। 18 में पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप पेपर खोल के देख सकते हैं, शायद 3 मार्क्स में क्वेश्चन था। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल तो इस साल भी 2019 में भी आया था और शायद अब की बार भी उम्मीद है इससे। ठीक है, ठीक है, देखना इधर, लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, लेट करते हैं लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में V1 है, लेट करते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट इज V1, लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब लाइट जैसे रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम होगी, लेट करते हैं कि लाइट की स्पीड जो है वो V2 हो गई, लाइट की स्पीड जो हो गई V2 हो गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं, ये लेट के हमने कि द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट इज V1 एंड लेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज V2, देन हाउ विल यू राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं कैसे लिखते हैं, रफ कर दो ये, हाउ विल यू राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिखेंगे ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू वन, तो इसको लिखते हैं N2 1, इसको लिखते हैं N2 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1। इसको समझना, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें कि N2 1 का मतलब क्या है या N1 2 का, अभी मैं चेंज करूंगा इसको N1 2 कर दूंगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो इसका ये मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू 1, तो ये इक्वल होता है वेलोसिटी ऑफ
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे डिफाइन करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन, इस रेशियो होता है। इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा कि वेलोसिटी लिख दी स्पीड बोल रहा हूँ? डोंट गेट कन्फ्यूज, वेलोसिटी स्पीड बात एक बार हम लोग बात करके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये होती है फर्स्ट डेफिनेशन। अभी लाइट कहाँ से कहाँ जा रही थी? फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम। इसी को अगर मैं जस्ट अपोजिट कर दूँ, अगर मैं ये कहूँ लाइट को फर्स्ट से सेकेंड ना भेज के सेकेंड से वन भेजना चाहता हूँ, सेकेंड मीडियम से फर्स्ट में, तो लाइट इधर से जाएगी और यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। अब मैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता हूँ तब आप बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट नहीं बताएंगे उस, तब आप बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू। इसका ये मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। अब इसको भी हमने अपोजिट कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा? इसकी अगर डेफिनेशन लिखूँ मतलब वेलोसिटी, तो ये क्या था? वी वन अपॉन वी टू था, क्योंकि फर्स्ट मीडियम वेलोसिटी वी वन थी, सेकेंड में वी टू है। जैसे ही हमने इसको अपोजिट किया, अभी क्या था? फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट सेकेंड, फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में था, सेकेंड का था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम फर्स्ट मीडियम का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, तो इसको हमने कर दिया पहले टू वन था क्योंकि हम वन से सेकेंड में ले जा रहे थे, अब वन टू है क्योंकि हम सेकेंड से, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, वी टू अपॉन वी वन, ठीक है? दोनों ही डेफिनेशन सही है इसकी, दोनों ही डेफिनेशन सही है। तीसरी इसकी डेफिनेशन आती है इसी फॉर्मूले से, अगर फर्स्ट वाला मीडियम एयर है, अगर फर्स्ट वाला मीडियम एयर है तो एयर में हम स्पीड को क्या मान सकते हैं कि वो वैक्यूम की स्पीड के इक्वल होगा, और वैक्यूम की स्पीड को हमने अभी किस क्या किस चीज़ से डिनोट किया था? सी से। तो हम फर्स्ट वाली स्पीड को सी लिख सकते हैं, ठीक है? रफ कर दिए। तो हमने क्या किया, एन टू वन इज इक्वल टू था हमारा वी वन अपॉन वी टू। हमने लेट किया है कि फर्स्ट वाला जो मीडियम है हमारा, जो फर्स्ट मीडियम है वो क्या है, वो हमने एयर मान लिया है, और एयर को हम किसके इक्वल मानते हैं? वैक्यूम के। वैसे होता नहीं है वैक्यूम के इक्वल कभी भी, लेकिन लेट कर लेते हैं कि उसके इक्वल होगा, ठीक है? तो हम V1 को क्या लेट कर लेंगे? C लेट कर लेंगे, ठीक है? और C की वैल्यू हमें हमेशा पता होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 1 की जगह भी, 1 को भी छोड़ देंगे फिर, तो यह नया फॉर्मूला हो जाएगा N2 इज इक्वल टू C अपॉन V2, ठीक है? अब वेलोसिटी एक ही है तो V1 लिखें, V2 लिखें या V लिखें सिर्फ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहीं से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया जाता है। कैसे डिफाइन करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है अक्सर, यहीं से डेफिनेशन पूछी जाती है मोस्टली। यहाँ पर कितने वेरिएबल अननोन हैं? दो, क्योंकि एक हमेशा कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू हमेशा पता होती है। कितनी होती है सी की वैल्यू?
तो सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सिर्फ एन और वी अननोन है, एन वी पे डिपेंड करता है, वी एन पे डिपेंड करता है। अगर हमें एन पता हो तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वी। अगर हमें वी पता हो तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह भी बताता है कि कितने टाइम्स वेलोसिटी कम है या ज़्यादा है, यहीं से चलता है वो भी चलता। मान लो हम इस वी को इधर ले आते हैं, इस वी को इधर ले आते हैं, तो सी इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा सी इजिकल टू एन इन टू वी। मैं एन टू को भी एन लिख रहा हूँ क्योंकि मीडियम दो तो है नहीं, एन वन एन टू लिखें, एन को एन टू को एन वन भी नहीं है, एन टू एन ही है, एन ही लिख लेते हैं, ठीक है। एन टू को हमने एन लिख लिया है। अब ये बताइए सी क्या है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम में होती है, वो किसके इक्वल है, जो मीडियम की वेलोसिटी है उसको एन से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रही है। इसका ये मतलब है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में वो एन टाइम्स ज़्यादा है किससे, मीडियम की वेलोसिटी से। इसके जस्ट अपोजिट ये भी बोल सकते हैं हम कि मीडियम में वेलोसिटी लाइट की एन टाइम्स कम है। मीडियम, जिस भी मीडियम में हम लाइट को भेज रहे हैं उस मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम की स्पीड से, वैक्यूम में स्पीड से एन टाइम कम है, इसका ही मतलब है। जैसे क्वेश्चन में सिंपल एक क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे हमने दे दिया कि एन की वैल्यू 3/2 है, बताइए स्पीड कितनी होगी वैक्यूम मीडियम में किसी लाइट की। जैसे एग्जांपल के लिए हमें क्वेश्चन दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 3/2 है, तो पूछा गया मीडियम में वेलोसिटी बताइए, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, एन इजिकल टू सी अपॉन वी। एन की वैल्यू कितनी रखी है, 3/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर अपॉन वी। इस तरीके से, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बना जाएगा वी इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसका ये मतलब होता है, ठीक है, समझ आया तक।